शाम की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, तो आज का जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीजन स्टेट को जो है वो डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आइन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है या आइन है उसके ऊपर जो भी अपेरेंट चार्ज होता है, ठीक है, यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से या उसकी अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में आने के लिए जो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या डोनेट करता है, उसके अपेरेंट चार्ज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है HCl। अब एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव है, मालूम है एच के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसका +1 है, क्योंकि एच के ऊपर चार्ज होता है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो क्लोरीन का जो है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेक्स्ट है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, के जो हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करते हैं इसके रूल्स क्या हैं। फर्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। अगर तो जो एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब कि किसी भी आयन की फॉर्म में नहीं है, वो स्टेबल फॉर्म के अंदर है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज अ चार्ज ऑन द आयन। अगर सिंगल आयन, जो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसका इक्वल होगा उसके चार्ज के, कि जो भी आयन के ऊपर चार्ज होगा, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, और वाटर के अंदर भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो चार्ज है -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 +1 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो उनके ऊपर आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 1 +1। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसी ग्रुप में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे ग्रुप 1 के अंदर +1, ग्रुप 2 के अंदर +2 एंड ग्रुप 3 के अंदर +3। बुक के अंदर जो है ये 13 लिखा है, जो कि बाय मिस्टेक लिखा गया है, आप इसको ग्रुप 3 ही जो है वो कंसिडर करें। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। जितने भी कंपाउंड्स के अंदर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे वो +1 ही आएगा, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स के साथ आए तो ये एक एक्सेप्शन है, जो कि इसका जो है वो -1 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। ये यूनिवर्सल सी बात है कि ऑक्सीडेशन का नंबर जो है ना ऑक्सीजन का वो -2 आएगा सारे कंपाउंड्स में, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। इट इज़ -1 इन पर ऑक्साइड, जहाँ पर ऑक्साइड्स आएंगी वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, और जहाँ पर ये OF2 के अंदर आएगा ये यहाँ पर इसका जो है वो +2 हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन +1 है और F2 +2 हो जाएगा। इसकी वजह से इसको स्टेबल करने के लिए -2 की जगह +2 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी सब्सटेंस है वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं यानी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल हैं, तो जो अलजेब्रिक सम होगा ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 होगा, बिकॉज वो स्टेबल्स हैं। जैसे NaCl है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल, इसके ऊपर +1 Na का है और -1 जो है वो क्लोरीन का है, तो इनका सम जो होगा अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का 0 हो जाएगा। इसी तरह HCl है, H पॉजिटिव +1, Cl नेगेटिव -1, +1 -1 0 हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा उनका सम जो है वो 0 होगा, अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन आयंस द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। जो अल्जेब्रिक सम है ऑक्सीडेशन नंबर का वो इक्वल होगा किसके? चार्ज ऑन द आयन के। यानी अगर कोई भी आयन का चार्ज है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ठीक है, तो H2SO4 के ऊपर अगर हम देखें तो H2 जो है ये +1, हाइड्रोजन +1 होता है तो H2 की जगह +2 आ जाएगा। सल्फर के ऊपर जो है ये -6 होता है, तो +4 होता है, -4 -4 -2 -2, तो ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ जाएगा। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक का था, इंशाल्लाह जो है हम यहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।